और मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हैं? आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में बहुत ही बहुत स्वागत है। मैं रुपेश कुमार सिंह आप लोगों को रीजनिंग का जो टॉपिक आज पढ़ाऊंगा वो हमारा है मिसिंग नंबर। हमें पता है कि सारे बच्चे इस समय लॉकडाउन की वजह से घर पे बने होंगे। हम घर पे इस टाइम का कैसे सदुपयोग करें, हमें इसको समझना सबसे ज़रूरी है। परेशानी तो सबको है, हम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, हम कोचिंग ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, हम पिकनिक मनाने नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर से बाहर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से घर नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, जो हमारे मुट्ठी में है, वो क्या है? वह है मेरे प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन का हम अपने लिए सबसे बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। जो जॉब करते हैं, जो घर पे रह के IT सेक्टर में है, वो अपना काम करते हैं। हमें टीचर और स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ से रिलेटेड हमें जानना है। स्टूडेंट के लिए इस समय सबसे ज़रूरी है कि जिस जिस चैप्टर या टॉपिक पे आपको लगता है यहाँ पे हमें कमी है, तो उस पर हद से ज़्यादा आप मेहनत करें। मेहनत करने के बाद आपके पास ऑफलाइन तो जाना नहीं है कहीं सेंटर पे। आप अपने टाइम का सबसे ज़्यादा सदुपयोग करें, केवल स्टडी ही स्टडी, ठीक है? तो चलिए, हम रीजनिंग के आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इसमें हमारी बहुत पॉसिबिलिटीज रहती है कि हम इसमें मिस करते हैं। हमारी संस्था JMD क्लासेज है, इसकी 4 क्वालिटी है। सबसे पहला क्वालिटी, आप हमारे JMD क्लासेस में पढ़ाई करने के बाद जितने क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। सेकंड, आपको पूरी क्वालिटी मिलेगी, वह क्वालिटी मिलेगी जो आपको SSC, बैंकिंग, रेलवे, जिसके जितने रिक्वायरमेंट है वो फुल क्वालिटी मिलेगी। थर्ड, आपको कंटिन्यूटी मिलेगा और आपके टाइम पे सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। और चौथा क्या है, यह सबसे बहुमूल्य है कि हम आपको सारे क्वेश्चन समझा दें, आपको समझ में भी आए, आपको सारी क्वालिटी भी फुलफिल कर दी जाए, ठीक है? और सबसे जो चौथा काम है, अगर आप इसको प्रैक्टिस न करें तो तीनों काम जो हम करेंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कंप्लीट 0। जैसे किसी भी नंबर में अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 255 है और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट विल बी 0। सेम वही चीज़, सेम थिंग्स। अगर हम लोग ये सारी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने के बाद आप अगर इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो यह आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है? चलिए मेरे दोस्तों, अब एकदम लग जाएं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन है। हमें यह दिया हुआ है, हमें पता है लेफ्ट से राइट ये रो हो गया, ऊपर से नीचे कॉलम हो गया। हमें ऊपर से नीचे आप देखिए, ऊपर से नीचे देखिए, यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए। इसमें 3 रो दिया हुआ है और 4 कॉलम दिया हुआ है, ठीक है? इस 4 रो में तीनों नंबर गिवेन है, इसमें तीनों नंबर गिवेन है, इसमें भी तीनों नंबर गिवेन है, इसमें 2 दिया है और यह मिस है। हमें यह देखिए, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। हमें यह सोचना है कि आखिर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें सोचना कैसे है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में पेपर देने जाएंगे तो क्वेश्चन अलग आएंगे, डिजिट अलग आएंगे। तो हमें केवल उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके हमें याद है तो हमसे कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमें थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना है और थिंकिंग एबिलिटी तभी डेवलप होगा जब हम इसको समझेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर वाले में जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है, छोटे नंबर है, और बीच में क्या है, बड़े नंबर है, और जो नीचे वाले हैं यह तीनों नंबर से क्या है, छोटे हैं। तो हमें पता है
कि ऊपर भी सारे नंबर छोटे हैं और नीचे भी सारे नंबर छोटे हैं, केवल बीच का नंबर क्या है, हमारा बड़ा है, ऊपर वाले से भी बड़ा है और नीचे वाले से भी बड़ा है। तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि यह जब बड़ा हो रहा है तो या तो इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा या इस नंबर में कुछ प्लस हो रहा होगा, डेफिनेट है। और जब इसमें मार्जिन ज़्यादा है तो मार्जिन ज़्यादा होने का मतलब है कि या तो मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। किसी दो नंबर के बीच अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ हो, अगर यहाँ 2 हो, अगला यहाँ 10 हो, तो हमें पता है कि 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। अगर यहाँ 2 हो, यहाँ अगर 250 हो, तो हम जब छोटा डिजिट है तो हम सोच सकते हैं कि इसमें 2 में अगर 8 प्लस करेंगे तब हमारा 10 आएगा। पर अगर 2 के बाद जस्ट हमारा 250 हो, यानी छोटे से एक बार बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो जैसे बड़ा नंबर होगा इसका मतलब है कि या तो इसका स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, ठीक है, या इस पे क्वार्टर होगा या पेंटा होगा, यानी इसके पावर या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, ठीक है। अब इसे हमें बहुत आसानी से समझना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमें अटेम्प्ट्स कैसे करना है, हमें सोचना कैसे है। अब हमें इसको देखिए, यह 5 है और यहाँ 10 है, यह 3 डिजिट जिस तरीके से हमारा आ रहा होगा उसी तरीके से इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा, या जिस तरीके से ये 8 आ रहा होगा ये तीनों डिजिट को सोल्व करने के बाद, या 40 आ रहा होगा ये तीनों डिजिट के सोल्व करने के बाद, वही प्रोसेस यहाँ लगाएंगे और यह नंबर आएगा। जो प्रोसेस इस 2 को सोल्व करने के बाद यह आ रहा होगा वही प्रोसेस इस 4 में अप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ 10 है, पहले मैं इस कॉलम को सोल्व कर रहा हूँ। यह कॉलम देखिए, यह C1 हो गया, यह C2 हो गया, यह C3 हो गया और यह C4 हो गया। हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 10। अब इस 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, अब हम 5 में ही 2 को प्लस करते हैं तो क्या आ गया, 7। यानी हमने देखा इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और 5 में 2 को प्लस किया तो 7 आ गया। यहाँ देखिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, तो 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18। अब फिर 6 और 3 को आपस में प्लस कीजिए, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ देखिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, और 6 में ही 3 को प्लस किया तो क्या आ गया, 9। ये भी सही है। तीसरा हमें दिया हुआ है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो 7 मल्टीप्लाई 3 इजक्ल टू 21। अब इस 7 में 3 को प्लस कीजिए, 7 प्लस 3 यानी कितना आ गया, 10। यानी हमें एक पता लग गया, एक वे पता लग गया कि इस तरीके से इस दोनों को सोल्व करने के बाद यह नंबर आ रहा है। सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लगाइए, 8 को 8 5 जा 40, यानी 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, तो क्या आ गया बालको, 40। अब हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, अब 8 में किसको प्लस कर देंगे, 5 को, तो 8 प्लस 5 13, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 13। आंसर हमारा हो गया सी। देखिए, हमें ऑनलाइन पढ़ने का सबसे ज़्यादा फायदा तभी होगा जब भी आप इसको पढ़ें, आपके पास कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन होनी चाहिए। आप पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को समझें और समझने के बाद इसको नोट डाउन करें। जब हम पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करेंगे, हम पढ़ाई को फिल्म की तरह करेंगे तो पढ़ाई हमें नहीं आएगा। फिल्म के स्टोरी देखते हम स्टोरी, उसकी डायलॉग एक लाइन आगे भी बोले पीछे भी बोले, उससे कोई हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें अगर एक कॉन्सेप्ट हमारा दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर कोलैप्स कर जाता है, मिस कॉन्सेप्ट आ जाती है, तो हमारी सारी एक साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और एक साल से जितनी मेहनत से हम पढ़े हैं वो सारी मेहनत पे क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा।
पानी फिरना एक मुहावरा है, यानी सारी मेहनत, जैसे हम खीर बना दें और गलती से वो खीर में चीनी के बदले में हम नमक डाल दें, क्या होगा मेरे बच्चों? सारी मेहनत बर्बाद। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, चलिए आप ना लिखे हो तो पॉज करके इसको लिख लें। ठीक है, सेकेंड दिया हुआ है, एक सर्किल है हमारे पास। ठीक है, सर्किल का मतलब अंडा मत समझिए कि अंडा खाना है और हमें प्रोटीन लेना है, एक सर्किल में क्वेश्चन बनेगा। हमने क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिया। चलो एक भाग अपने दोस्त को दे देंगे, एक भाग अपने, फिर एक तीसरा भाग भी बांट दिया। बांटने के बाद हमें मेंशन कर दिया 6, 7, यहाँ मिसिंग है, यहाँ 9, यहाँ 42 और यहाँ 36। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 24, ऑप्शन बी दिया हुआ है 54, ऑप्शन सी दिया हुआ है 78 और डी दिया हुआ है 38। ठीक है, 34 ऑप्शन डी हमारा कितना है, 34। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन सोल्व करना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, हमें यह सीखना है कि हम नई क्वेश्चन देख के, नए क्वेश्चन देखने के बाद हम अटेम्प्ट्स कैसे करेंगे, हमें सोल्व करने का तरीका सीखना है। ठीक है, अब तरीका देखिए, हमने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे नंबर है, 7 है 6 है 9 है, इसके ऑपोजिट में हम देख रहे हैं तो बड़े नंबर है, जैसे इसके यहाँ पे देख रहे हैं, इसको यहाँ पे देख रहे हैं, यानी हमें यह माइंड में समझ में आ गया कि पहले छोटा है उसके बाद बड़े नंबर हैं, पहले 1 डिजिट वाले नंबर है, यहाँ 2 डिजिट और 2 डिजिट में भी इससे बड़े हैं, यानी हमें इतना तो समझ में आ गया कि या तो मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर होगा, ये कन्फर्म हो गया। अब हमें जब पता हो गया कि या तो मल्टीप्लाई करेंगे या किसी के ऊपर स्क्वायर निकालेंगे, तो इससे यह फायदा हुआ कि हमें प्लस भी नहीं करना है, माइनस भी नहीं करना है और डिवाइड भी नहीं करना है, ये तीनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमें सोचना है कि आखिर यह कर क्या रहा है। जैसे आप सिंपल देखिए, यह 6 पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पार्ट में डिवाइड है। हमने देखा यह 6 के अपोजिट में यह है, जैसे देखिए यह 6 है, इसके अपोजिट में यह 36 है, यहाँ देखिए यह 7 है तो इसके अपोजिट में यह हमारा 42 है। अब हमें यह समझ में आया कि 6 के अपोजिट में 36 हो रहा है, यानी 6 6 जा 36, यानी 6 जा हो रहा है। यहाँ देखिए 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 36। और अगेन हमने देखा 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 42। यानी 7 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से, तो क्या आ रहा है, 42। यानी हमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो तीसरा फाइंड आउट कर रहा है तो हमें इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो यहाँ पे क्या छुपा है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 9, तो 9 6 जा 54। कोई दिक्कत? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको, देखिए हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें आइडिया जनरेट करना है कि आखिर हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें अटेम्प्ट करने का तरीका करना कैसे होना चाहिए, हाउ अटेम्प्ट इट। अगर हमने अटेम्प्ट करने का तरीका सीख लिया तो मेरे दोस्तों इस बात को याद रखो, मेरे बच्चों इस बात को याद रखो कि हमारा सिलेक्शन होना ही है। जीवन में आज तक वो कोई भी इंसान फेल्योर नहीं हुआ है जिसने पूरी शिद्दत से किसी भी काम को किया हो, कोई भी काम, इस पूरे विश्व में कोई भी काम।
हमें पेशेंस चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए। हम पेशेंस और कंटिन्यूटी के साथ किसी भी काम को करेंगे तो हमें सफलता मिलना फिक्स है, यह हो ही नहीं सकता। इस पूरे विश्व में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम पूरे मन से कोई काम को किए हों और कंटिन्यूटी के साथ किए हों तो हम असफल। देर हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटीज, लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप सबसे पहले आप यह समझ गए होंगे कि हमें अटैम्प कैसे मारना है। मिसिंग नंबर में हमें अटैम्प मारने का टेक्निक सीखना है। क्वेश्चन तो आपको एक वर्ड्स में सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कैसे सोचेंगे यह डेवलप करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चले हम अगला देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब चलो स्क्वायर बनाने के बाद, मान लो अभी लॉकडाउन है, दोस्त हमारे घर पे होंगे, अगर हमारे पास कोई एक चीज है, तीन दोस्त हैं तो इक्वल पार्ट में बांट के शेयरिंग करके खाएंगे, मजा आएगा। हमने इसको बीच से काट दिया ताकि दोस्त कोई नाराज ना हो जाए। इसको भी हमने यहाँ से काट दिया। काटने के बाद हमें दिया हुआ है 43, 42, 47, 48, 44 और यहाँ मेरे दोस्तों मिसिंग है, यहाँ 41। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी मिसिंग है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पे हम लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, फिर हम इसको बनाने शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 49, 45 और 46। ऑप्शन बी दिया हुआ है 45, 49, 46, 45, 49, 46। ऑप्शन सी दिया हुआ है 40, 48, 46। ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 46, 40 और 45। देखिए हमें क्वेश्चन देखने के बाद आप पहले देखिए कि हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। हमें अटेम्प्ट करना सीखना है, क्वेश्चन सोल्व करना, ये तो रीजनिंग के जो हम मिसिंग नंबर हैं ये तो मात्र 2 सेकंड का काम है। पर हमें नया क्वेश्चन देखने के बाद हम अटेम्प्ट कैसे मारेंगे, सोल्व करने का तरीका कैसे होगा, उस तरीका को जब आप सीख लोगे, आप माइंड में डेवलप कर लोगे, आपका सिलेक्शन फिक्स है। इस पूरे दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। कब? जब आप उस टेक्निक को सीखोगे। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 यानी 10 प्लेस पे सारे डिजिट हमारे क्या है, 4 है। यहाँ भी हमने ऑप्शन को देख लिया, सारे 10 प्लेस पे क्या है, 4 है। अब यह देखने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि यह 43, 42, 47, 48, 43, 48, 41। अब कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि जब सारे 4, 4, 4 को 10 प्लेस पे हैं, यानी कहीं ना कहीं इस सबको एक बार प्लस करके देखते हैं। क्या करते हैं? प्लस करके देखते हैं। हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। 1 को 8 से प्लस किया 9, 9 को 3 से किया 12 का 2, 4 3 12, 12 प्लस 1 13, यानी 130। इसको हम प्लस किए रो को तो क्या आ गया 132। अब इस कॉलम को प्लस कीजिए,
सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू, फोर थ्री या ट्वेल्व और वन थर्टीन। अब हमें यह समझ में आ गया कि अगर हमने रो को भी प्लस किया तो 132 ही आ रहा है, अगर हमने कॉलम को भी प्लस किया तो 132 ही आ रहा है। अब हमारे मन में दोस्तों यह ख्याल आ जाएगा, हमारे दिल के अंदर वो उमंग आ जाएगा कि हमने तो फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जिससे हमारा बनेगा। तो आपने यह सीखा कि हमें चेक करना है कि हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हाउ अटेम्प्ट। अगर हमने अटेम्प्ट करने का तरीका डेवलप कर लिया तो हमारा सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रो सकती है। इस पूरी दुनिया की ताकत, पूरी जहान, पूरा संसार आपको सक्सेस करने के लिए आपके पीछे खड़ा हो जाएगा और आपको पुश कर देगा और आप बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाओगे। अब यहाँ टू आ रहा है, हमने देखा एट प्लस फोर ट्वेल्व, ठीक है, और ये सारे टेन प्लेस पे क्या है, फोर और फोर ही है। तो 8 प्लस 4 12 आ रहा है, तो फिक्स है कि यहाँ पे जीरो तो होना ही है। क्या होना है, जीरो तो होना ही है। हमने यहाँ जीरो डाल दिया, तब यहाँ 4 डालेंगे तो 4 3 जा 12 और 1 30, 12 और 1 30, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब ये फिक्स हो गया कि ये 40 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 7 है, क्या है, 7 है। अब 7 में जब 0 को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 0, सिंपल सी बात है 7। अब हमें यहाँ 2 लाना है तो 7 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 12। तो देखिए हमने 40 फाइंड आउट कर लिया, अब 45 यहाँ भी है, क्या है, 45। अब यहाँ पे हमने 5 रखा, क्या रखा, तो 4 तो रखना लाजमी है, तो 7 प्लस 5 45, 7 प्लस 5 12, 12 का 2, 4 3 जा 12 और 1 13, यानी यहाँ भी हमारा क्या आ गया, 132। अब मेरे देखो प्यारे बच्चों, यह 40 और 45 फाइंड आउट हो गया, इसका भी ऐड 132 आ रहा है। अब यहाँ देखिए यह 45 है, अब यहाँ हमें नंबर ऐसा रखना है जिसको यह प्लस करने के बाद भी क्या है, 2 है। अब यहाँ देखिए 6 प्लस 1 5 प्लस 1 6, अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे, क्या रखेंगे, 6, तो 6 प्लस 6 12 का 2, तो यहाँ 4 तो रखना ही है, तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 4 12 प्लस 1 33। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि एक ऑप्शन 40, एक 45 और एक 46, यानी क्या क्या आ रहा है, एक 40 आ रहा है, एक 45 आ रहा है और एक 46। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए कि तीनों नंबर किस में है, यहाँ देखे 45 46 है पर यहाँ पे 40 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 45 है 46 है पर 40 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ 40 है 46 है लेकिन 45 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। ऑप्शन डी में 46, 40 और 45 है, तो ये हो गया सही। आप मेहनत करेंगे, हमारे यहाँ जितने हमारे आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप पूरी शिद्दत से पढ़ें, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।